नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पे। कैसे हैं आप? अच्छा, आशा करता हूँ इस लॉकडाउन में आप अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लास 12 की इंग्लिश की सीरीज चल रही थी, उसमें हम पोएट्री पढ़ रहे थे, और जो हमारी पहली पोएम है उसका नाम है माई मदर एट 66। इसके ऑलरेडी दो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, और दोनों वीडियो में हमने जो हमारे राइटर हैं कमला दास, उनका इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद में हमने पोएम का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद में हमने पोएम को पढ़ा, पोएम को पढ़ने के बाद पोएम को हमने एक्सप्लेन किया, पोएम को एक्सप्लेन करने के बाद में हमने पोएम की समरी पढ़ी, और अब हम जो है ये जो हमारी पोएम जो है, इस पोएम को थीम और सब थीम हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम ये ढूंढने का प्रयास करते हैं कि पोएम की थीम क्या है और पोएम की सब थीम क्या है। तो देखिए, थीम के बारे में ऐसे, थीम सबसे पहले तो ये जानिए कि थीम होती क्या है। थीम का मतलब ये होता है कि ये इस कविता का मूल भाव क्या है, यानी कि ये कविता वास्तव में कहना क्या चाहती है। तो ये जो हमारी जो पोएम है, जो हमारी वो उसकी जो थीम है, द थीम ऑफ एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। इसकी जो थीम में है, सबसे मेन चीज है एजिंग, और ये हमारी एक ऐसी चीज है जिसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप चाहें कि आपके पेरेंट्स बुढ़े नहीं हो या आप बुढ़े नहीं हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि इंसान चाहे कितने ही पैसे वाला हो, एक दिन उसको पैदा होना है, पैदा होने के बाद में उसका बचपन आता है, बचपन आने के बाद में उसकी जवानी आती है, और जवानी आने के बाद में उसका बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापा आने के बाद में वो मर जाता है। तो ये जो एजिंग जो है या उम्र का जो बढ़ना है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो यही हमारी पोएम की जो थीम है, एंड येट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड वंस। और दूसरी बात है कि देखिए, जब हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, अब ये माना जाता है कि आप हर जन्म अलग अलग जगह लेते हैं, और ये भी कहा जाता है कि इस जन्म में जो आपके रिश्तेदार हैं वो शायद अगले जन्म में नहीं होंगे, लेकिन इस जन्म में जो हम अपने लव्ड वंस से जितना प्रेम करते हैं, जिनके लिए हम पैदा हुए हैं, जिनके हम, तो उनसे सेपरेट होने का जो डर जो होता है, ये भी हमारी थीम में शामिल हो सकता है। फ्रॉम योर लव्ड वन इज एक्सप्लोर्ड टू इज बेस्ट इन दिस पोएम। कि इस पोएम में दो ही चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से, कि एक तो उम्र का बढ़ना जो एक नेचुरल प्रोसेस है, और साथ ही साथ अपनों से दूर होने का जो फियर ऑफ सेपरेशन है, ये इस कविता का मूल भाव है। द पोएम ऑल्सो टॉक्स अबाउट द लोनलीनेस दैट एज पीपल एक्सपीरियंस। और ये कविता उस बात को भी एक्सप्रेस करती है कि आदमी जैसे जैसे बुढ़ा होता जाता है, तो किस प्रकार वो अकेला महसूस करता है, किस प्रकार वो लोनलीनेस महसूस करता है, कैसे वो अकेलापन महसूस करता है, और पीपल एक्सपीरियंस किस की लोग अनुभव करते हैं अकेलेपन को, एंड फीलिंग। आपने भी देखा होगा कि बहुत से जो लोग होते हैं वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भी छोड़ देते हैं, या उनको छोड़ के एक विदेश कमाने के लिए चले जाते हैं, बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं, शादी होने के बाद में अपने बीवी बच्चों को या पति को हस्बैंड को लेके महिलाएं सब अलग हो जाती हैं। तो जिन लोगों ने आपके लिए पूरी जिंदगी लगा दी, वो बेचारे अकेले पड़ जाते हैं। यही इस कविता का थीम है, फीलिंग ऑफ गिल्ट। और साथ ही साथ में थीम में एक चीज शामिल है कि एक गिल्ट का महसूस होना, एक पछतावा, एक आत्मग्लानी। गिल्ट का मतलब होता है आत्मग्लानी, एक आत्मग्लानी कि भाई आपके जो पेरेंट्स हैं वो धीरे धीरे बुढ़े हो रहे हैं, एक दिन वो आप मर जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो द फीलिंग ऑफ गिल्ट देयर चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, और उनके बच्चे उस गिल्ट को या आत्मग्लानी को जो महसूस करते हैं फॉर नॉट बींग एबल टू बी विद देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, और उनको कि भाई इस उम्र में भी हम हमारे माँ बाप के साथ में नहीं है। तो ये जो आत्मग्लानी जो होती है उसको बच्चे अनुभव करते हैं, ये भी इस हमारी जो पोएम है, जो हमारी पोएम जो है उसका मूल भाव है। तो आपने देखा होगा कि इसकी थीम में क्या क्या चीजें निकल कर सामने आई। पहली चीज तो निकल कर सामने आई कि एजिंग जो एक नेचुरल प्रोसेस है, दूसरी बात फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड वंस, कि अपने जो माँ बाप जो होते हैं या अपने से हम जिनसे प्रेम करते हैं उनसे अलग होने का जो डर जो होता है वो भी इस पोएम में दिया गया है।
और साथ ही साथ जो हमारे बुजुर्गों का एकाकीपन है, जब हम उनको छोड़कर चले जाते हैं तो वो कैसे अकेलापन महसूस करते हैं वो। और चौथी चीज इसमें जो थीम में जो दी गई है वो ये दी गई है कि एक ऐसी गिल्ट, एक ऐसी आत्मग्लानी कि यार हम बुढ़ापे में हमारे माँ बाप के साथ में नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये भी इस कविता का थीम दिया गया है। इट पोर्ट्रेज ए सेंसेशनल सेपरेशन ऑफ मदर एंड डॉटर। और ये जो पोएम जो है हमारी, वो मदर और डॉटर की जो सेपरेशन है, यानी कि बेटी का माँ से जो अलगाव है, जो अलग होना है, उसको बहुत ही भावुक तरीके से इसमें दिखाया गया है। तो अब हम कुल मिला के बात करें तो इसकी थीम में आ गई, मेन थीम तो आ गई कि इसकी पेन ऑफ सेपरेशन ड्यू टू एजिंग एंड डिके। और साथ ही साथ मैंने आपको तीन और पॉइंट बताए थे कि एक जो लोनली, एक तो फियर ऑफ सेपरेशन हो गया, ठीक है, फियर ऑफ सेपरेशन, इसको भी हम थीम में शामिल कर सकते हैं। साथ ही लोनलीनेस ऑफ पेरेंट्स, ऑफ पेरेंट्स, और साथ ही गिल्ट ऑफ चिल्ड्रन, इन चीजों को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो थीम तो, और अब सब थीम में क्या है, अब सब थीम का मतलब है कि थोड़ा और गहराई से खोदना। उसमें दिया गया है कि कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, कि मानवीय संबंध कितने उलझे हुए हैं, कि एक बेटी कितनी मजबूर है कि वो अपनी मां के साथ नहीं रह सकती, ये इसकी सब थीम है। और साथ ही साथ इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो इसमें केवल दो ही कैरेक्टर हैं, एक तो जो हमारी पोएट है वो है कमला दास जी, और एक उनकी माँ, वो इस कविता में, इस पोम में जो है वो कैरेक्टर्स हैं। अब इसमें देखिए थोड़ा इसका लिंग्विस्टिक कंटेंट को देख लेते हैं कि लिंग्विस्टिक कंटेंट का मतलब भाषा के आधार पर इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे मेन चीज तो ये है कि इसकी भाषागत विशेषताओं में हम लिंग्विस्टिक कंटेंट में हम देखते हैं, तो सबसे मेन चीज तो ये है कि ये जो जो है हमारी वो फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स का मतलब होता है जिसकी कोई राइम स्कीम नहीं होती उसे फ्री वर्स कहा जाता है, यानी कि बिल्कुल फ्री वर्स में इस पोएम को लिखा गया है। साथ ही साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई भी, ये सब चीजें आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी और मार्क्स जो मिलते हैं वो इन्हीं चीजों के मिलते हैं। तो एक तो इसकी, इसमें सबसे मेन चीज तो ये है कि इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, जैसे राइम स्कीम होती है ना, ए ए बी बी या ए बी बी ए, ऐसी कोई राइम स्कीम इस पोएम में नहीं है। साथ ही साथ फ्री वर्स में है, और सबसे बड़ी चीज है कि ओनली वन सेंटेंस इज यूज्ड, यानी कि पूरी पोएम जो को लिखने के लिए केवल एक सेंटेंस का प्रयोग किया गया है, या एक सेंटेंस में ही पूरी पोएम को लिख दिया गया है। तो ये तो देखिए उनकी जो लेखन की विशेषता मान लीजिए, या उनकी लेखन की चतुराई मान लीजिए, कि उन्होंने इतनी बड़ी बात को केवल एक सेंटेंस में व्यक्त कर दिया। तो और इसके लिंग्विस्टिक इसमें देखिए, कमला दास जी की आपको एग्जाम में ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी कि कमला दास जी की जो पोएट्री जो होती है मोस्टली कन्फेशनल पोएट्री होती है, कि उन्होंने जिंदगी में जो कुछ किया वो आपके सामने लिख दिया, उन्होंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, उनके जो चरित्र की जो कमियां हैं या उनकी जो डिजायर हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो हमेशा वो आप, या वो क्या महसूस करती हैं उन्होंने हमेशा अपने जो पाठक हैं उनको बताया। तो कमला दास पोएट्री इज मोस्ट ऑफन आइडेंटिफाई एज कन्फेशनल। कन्फेशन का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, दैट इज कॉल्ड कन्फेशन, यानी कि जिस पोएम में हम अपने मन की भावनाओं को स्वीकार करते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्फेशनल पोएट्री। और साथ ही साथ इस पोएम की जो टोन है वो बहुत ही सैड है, पेंसिव का मतलब दुखी कर देने वाली है, बहुत ही दुख भरी इसकी टोन है। और साथ ही पूरी पोएम जो है उसमें जो डोमिनेंटली पेंसिव है, यानी कि पूरी पोएम में ही जो दुख है वो छाया हुआ रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं उनको हम देखेंगे, और उसके बाद में हम जानेंगे कि इसमें किस प्रकार की पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है, एक एक सेंटेंस में हम करते जाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।